सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालमपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने जहां चिकित्सा दिवस की सबको बधाई दी, वहीं कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि देश के महान चिकित्सक डॉक्टर बीएस राय की स्मृति में आयोजित चिकित्सा दिवस के पावन अवसर पर उपस्थित होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि महान विभूतियों की जयंतियों और पुण्य तिथियों पर इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। परमार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 6 माह के कार्यकाल से वे संतुष्ट हैं, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश के लोगों के कष्टों के निवारण में हिमाचल उच्च स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वर्तमान में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी एवं 1 निजी क्षेत्र में कार्यरत है और प्रदेश में अब MBBS की सीटों की संख्या 750 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है और सरकार ने पदों को भरने और अन्य कार्यों के लिए सर्च कमेटी का भी गठन किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 वर्षों के बाद प्रति वर्ष 750 चिकित्सक तैयार होने से प्रदेश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। वो पेशेंट के साथ संवाद बनाने में माहिर थे, वो अपने व्यवहार के बलबूते पर सामने बैठे हुए व्यक्ति को के उपचार में दवाइयों के साथ साथ बोलबाली में मधुर और सक्षम थे। तो शायद मेरा तो कहना सिर्फ यही है कि ये सब कुछ जो जयंतियां मनाई जाती हैं या महान विभूतियों की याद में कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी 2 महीने पहले हमने नर्सिंग डे मनाया और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात भी की कि प्रदेश के अस्पतालों को ठीक चलाना है तो नर्सों की कमी को पूरा करें। पूरे कार्य 1000 नर्सें भरे। वहीं परमार ने GYK कंपनी में कार्यरत 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के चालक, होमगार्ड के चालक और NHRM प्रोजेक्ट के चालकों को लगा दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। पर हिंदुस्तान की तुलना में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य के मानक मापदंड बहुत बढ़िया है। पर मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया है तो हम रुक जाएंगे। हम उनको और बढ़िया बनाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए 4 सालों के बाद 750 MBBS डॉक्टर हर साल निकाल रहे हैं। कभी तो अपने आप पूरी हो जाएगी।